नाउ टॉप लेयर्स जो है वो कंप्रेशन में है और बॉटम लेयर्स जो है वो टेंशन में है। तो जो टॉप लेयर पे स्ट्रेस होगा दैट वुड बी बेंडिंग स्ट्रेस, ओके, एंड दिस बेंडिंग स्ट्रेस इज नथिंग बट यू कैन से द हियर इट इज कंप्रेसिव स्ट्रेस, इज दैट ओके? मीन्स आप बेंडिंग स्ट्रेस को यहाँ पे बोल रहे हो दैट इट इज कंप्रेसिव स्ट्रेस सिंस द अपर लेयर्स आर इन कंप्रेशन। नेक्स्ट आफ्टर दिस द बॉटम लेयर्स दे आर इन टेंशन, सो यू कैन से दैट इट इज टेंसाइल स्ट्रेस इन द बॉटम लेयर्स, ठीक है। और ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सी हियर, इफ आई कैन सी, अगर मैं न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जाता हूँ, न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेस इज जीरो। तो अभी ये एक और एक तरीका है समझने के लिए, सी हाउ इंटरेस्टिंग इट इज कि न्यूट्रल एक्सिस मीन्स सेंटर पे बेंडिंग इज जीरो, ओके, इट मीन्स नो बेंडिंग स्ट्रेस इज डेवलप्ड एट द सेंटर, ठीक है। सो बेंडिंग स्ट्रेस सेंटर पे जीरो हो जाएगा। फिर जैसे जैसे मैं सेक्शन पे आई एम गोइंग अपवर्ड्स, आई एम मूविंग अपवर्ड, जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा द वैल्यू ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। जैसे मैं इफ आई कम अप टू दिस लेयर बेंडिंग स्ट्रेस विल इंक्रीज, आई गो ऑन टू द नेक्स्ट लेयर बेंडिंग लेयर विल बेंडिंग स्ट्रेस इज गोइंग टू इंक्रीज। तो इसी तरह से जैसे जैसे मैं वाई सी का डिस्टेंस इंक्रीज करता जा रहा हूँ बेंडिंग स्ट्रेस इंक्रीज होगा, ठीक है। सिमिलरली यू कैन हैव दिस कि जैसे जैसे आप बॉटम में भी डिस्टेंसेस इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे आपको बेंडिंग स्ट्रेस का, इन अदर वर्ड्स टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ के मिलेगा, ओके, एंड एट द सेंटर द बेंडिंग स्ट्रेस इज जीरो, फाइन। सो दिस वॉज रिगार्डिंग सिमेट्रिक सेक्शन। नाउ लेट मी शो यू सम अनसिमेट्रिक सेक्शन। दिस इज अनसिमेट्रिक आई सेक्शन, ओके। नेक्स्ट दिस इज एल सेक्शन और यू कैन से एंगल सेक्शन, अगेन अनसिमेट्रिक सेक्शन, ठीक है, फाइन। सो यू कैन हैव सच अनसिमेट्रिक सेक्शंस, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है टी सेक्शन, ओके, आई हैव शोन यू वॉट इज आई सेक्शन, दिस इज अनसिमेट्रिक आई, देन दिस इज अनसिमेट्रिक एंगल सेक्शन। वी कैन हैव सम मोर सेक्शंस, ओके, बट फॉर एक्सप्लेनेशन दीज मच आर नेसेसरी। नाउ लेट मी शो यू द बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस। दिस इज द बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ठीक है। अभी आई एम कंसिडरिंग माई न्यूट्रल एक्सिस, और क्योंकि हम लोग यहाँ पर भी अज्यूम करते हैं कि जो अनसिमेट्रिक सेक्शंस है दे आर ऑल्सो यूज एज सिंपली सपोर्टेड बीम, अनसिमेट्रिक सेक्शन को भी हम लोग यूज़ करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के तरह। तो जो टॉप लेयर्स होंगे वो कंप्रेशन में होंगे, लाइक फॉर सिमेट्रिक सेक्शन, सो वाई सी इज द डेप्थ ऑफ कंप्रेशन, और यू कैन से लेयर्स इन कंप्रेशन, वाई टी इज द डेप्थ ऑफ लेयर्स विच आर इन टेंशन, सिग्मा बी दोज आर इन कंप्रेशन तो हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस, सिग्मा बी दोज हु आर इन टेंशन तो हो जाएगा ये सिग्मा टी, ठीक है। नेक्स्ट जैसे जैसे मैं लेयर्स के ऊपर जाऊंगा वहाँ पे मुझे बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ के मिलेगा, द वैल्यू ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस विल गो ऑन इंक्रीजिंग, इज दैट ओके? तो अनसिमेट्रिक सेक्शन के लिए क्या हो रहा है, सी मेजर डिफरेंस क्या है, फॉर सिमेट्रिक सेक्शन बोथ वाई सी एंड वाई टी वैल्यू विल बी सेम, दैट इज फॉर सिमेट्रिक सेक्शन द डेप्थ इन कंप्रेशन विल बी इक्वल टू द डेप्थ इन टेंशन, ये है सिमेट्रिक सेक्शन के लिए, फाइन। फॉर अनसिमेट्रिक सेक्शन वाई सी विल नॉट बी इक्वल टू वाई टी, वाई सी विल नॉट बी इक्वल टू वाई टी, तो इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि वो अनसिमेट्रिक सेक्शन है, इज दैट ओके? नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू आफ्टर दिस सेक्शन मॉड्यूलस, ओके। वॉट इज सेक्शन मॉड्यूलस, द नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्शन मॉड्यूलस। नाउ वॉट इज सेक्शन मॉड्यूलस, सी हियर, सेक्शन मॉड्यूलस इट इज डिफाइंड एज
द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड डिस्टेंस ऑफ लेयर, डिस्टेंस ऑफ लेयर सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम बेंडिंग, सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम बेंडिंग फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, यानी सेक्शन मॉड्यूलस क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड डिस्टेंस ऑफ लेयर सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम बेंडिंग फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। लाइक इफ आई कंसिडर द सेक्शन ऑफ द बीम एज अ रेक्टेंगल, इफ आई कंसिडर द सेक्शन ऑफ द बीम एज रेक्टेंगल, ठीक है, यहां पर है न्यूट्रल एक्सिस। इफ आई से दैट आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैपिटल आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल सेक्शन, फाइन। नेक्स्ट, जो लेयर पे मैक्सिमम बेंडिंग होगा अगर मैं उसका डिस्टेंस लेता हूं वाई, ओके। सो नाउ सेक्शन मॉड्यूलस, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेक्शन मॉड्यूलस विल बी गिवन बाय, मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूं, सेक्शन मॉड्यूलस इज गिवन बाय, सेक्शन मॉड्यूलस इज गिवन बाय, इट इज डिनोटेड बाय लेटर जेड, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ लेयर विच इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम बेंडिंग, मैक्सिमम बेंडिंग, मैक्सिमम बेंडिंग हमेशा आउटर लेयर्स पे होता है, मैक्सिमम बेंडिंग, ओके, फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, दैट इज यू आर टेकिंग डिस्टेंस वाई। सो दिस इज माई सेक्शन मॉड्यूलस, ओके। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है अबाउट आई एक्सिस, दैट इज इफ वी नो आई एक्सिस, देन आपको सेक्शन मॉड्यूलस एट एक्सिस कैलकुलेट करना है, तो इट विल बी आई एक्सिस अपॉन वाई, ओके। सिमिलरली इफ वी नो IYY, then आपको ZYY मिल सकता है, that is equal to IYY divided by Y. Is that clear? तो यहाँ से आप section modulus calculate कर सकते हो about XX axis and about YY axis, okay? अब इसका unit क्या होगा? You can check this. See here, moment of inertia is mm raised to 4. डिवाइडेड बाई वाई, ये जो डिस्टेंस है दैट इज इन mm, ठीक है, इफ आई कैंसिल दिस आउट आई विल गेट mm³। सो इट्स यूनिट, यानी सेक्शन मॉड्यूलस का यूनिट इज इन mm³, सेक्शन मॉड्यूलस का यूनिट हो जाता है mm³। इज दैट ओके? नाउ लेट मी शो यू सम सेक्शन मॉड्यूलस फॉर सर्क्यूलर सेक्शन, हॉलो सर्क्यूलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन, ओके। Now we'll see some cases, that is section modulus for various cases, section modulus for various cases, ठीक है। First I'll consider it as a circular section, यानी हम लोग circular section के लिए देखेंगे कि section modulus हमें क्या मिलता है। फॉर अ सर्क्यूलर सेक्शन, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है दिस बिकम्स माई न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, ओके। नाउ वी नो दैट फॉर अ सर्क्यूलर सेक्शन, अगर मैं इसका डायमीटर डिनोट करता हूं दैट इट इज हैविंग अ डायमीटर ऑफ यू कैन से कैपिटल डी, ठीक है, तो सर्क्यूलर सेक्शन के लिए मुझे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है दैट इज आई एक्सिस will be equal to IYY, यानी सर्क्यूलर सेक्शन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस दोनों पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, ओके। सो नाउ
दिस यू कैन से दैट आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई वाई वाई, और ये वैल्यू होगा पाई बाय सिक्सटी फोर कैपिटल डी रेस टू फोर, कैपिटल डी रेस टू फोर, ठीक है। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट, न्यूट्रल एक्सिस से टॉप लेयर तक का डिस्टेंस। टॉप लेयर मीन्स यहाँ पे एक्सट्रीम टॉप, ये लेयर, ओके, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज वाई। और फिर न्यूट्रल एक्सिस से बॉटम लेयर, दिस इज ऑल्सो द मैक्सिमम लेयर, लेयर विच इज हैविंग मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, इसको हम लोग कह सकते हैं वाई। और ये वाई यहाँ पे हो जाएगा दिस, दैट इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द सर्कल। सो वाई इज इक्वल टू डी बाई टू, वाई इज इक्वल टू डी बाई टू, सो देयर फॉर वाई इज इक्वल टू डी बाई टू। तो अभी सर्क्यूलर सेक्शन के लिए अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, और यू कैन से सॉरी सेक्शन मॉड्यूलस, तो जेड एक्स एक्स विल बी इक्वल टू जेड वाई वाई इज इक्वल टू आई एक्स एक्स, या तो आप आई वाई वाई भी लिख सकते हो अपॉन वाई, फाइन। देयर फॉर दिस इज पाई बाय 64 कैपिटल डी रेस टू 4, इट इज डिवाइडेड बाय वाई, और वाई है डी बाई टू, वाई है डी बाई टू, ठीक है। सो देयर फॉर जेड एक्स एक्स इज इक्वल टू जेड वाई वाई विच इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 64 कैपिटल डी रेस टू 4, डिविजन साइन को मैं कन्वर्ट करता हूँ मल्टीप्लीकेशन में, सो इट वुड बी 2 बाय डी, फाइन। सो फाइनली दिस वुड बी जेड एक्स एक्स इज इक्वल टू जेड वाई वाई एंड इट दिस विल बी पाई बाय 32 कैपिटल डी क्यूब। सो जेड एक्स एक्स इज इक्वल टू जेड वाई वाई एंड दैट इज इक्वल टू पाई बाय 32 कैपिटल डी क्यूब, मतलब मुझे यहाँ से सेक्शन मॉड्यूलस मिल जाएगा फॉर दिस सर्क्यूलर सेक्शन। ओके, नाउ आफ्टर दिस आई विल शो यू सेक्शन मॉड्यूलस फॉर हॉलो सर्क्यूलर सेक्शन। हॉलो सर्क्यूलर सेक्शन, यू हैव टू शो इट विद अ सेक्शन, हॉलो सर्क्यूलर सेक्शन। यहां पे कैपिटल डी इज द आउटर डायमीटर, देन स्मॉल डी वुड बी द इनर डायमीटर, ठीक है। अभी ये हमारा एक्स एक्स एक्सिस भी है, ये हमारा वाई एक्सिस है, जिधर एक्स है दैट इज योर न्यूट्रल एक्सिस ऑल्सो, फाइन। अभी न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम लेयर जो है वो यहाँ पे इनर डायमीटर पे नहीं आएगा, मैक्सिमम लेयर इज देयर एट द आउटर डायमीटर, सो दिस इज योर मैक्सिमम लेयर, दिस इज माय मैक्सिमम लेयर, ठीक है। मैक्सिमम लेयर का जो डिस्टेंस है इट इज कॉल्ड एज वाई एंड दिस वाई इज नथिंग बट इक्वल टू कैपिटल डायमीटर बाई टू, दैट इज द आउटर डायमीटर बाई टू, ठीक है। तो अभी हम लोग आई एक्स एक्स और आई वाई वाई वैल्यू लिख सकते हैं फॉर हॉलो सर्क्यूलर सेक्शन, दोनों भी वैल्यू सेम हो जाएगा। इट विल बी इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 64 कैपिटल डी रेस टू 4 माइनस स्मॉल डी रेस टू 4, ओके। नेक्स्ट वाई हमारे पास है, सो देयर फॉर जेड एक्स एक्स इज इक्वल टू जेड वाई वाई इज इक्वल टू आई एक्स एक्स, आई एक्स एक्स इज आई हैव द वैल्यू अपॉन वाई, ओके। सो दैट इज इक्वल टू आई एक्स एक्स मतलब पाई डिवाइडेड बाई 64 कैपिटल डी रेस टू 4 माइनस स्मॉल डी रेस टू 4, यर इज डिविजन साइन वाई इज इक्वल टू डी बाई टू, ओके। सो देयर फॉर जेड एक्स एक्स इज इक्वल टू जेड वाई वाई विच इज इक्वल टू पाई बाय 64 कैपिटल डी रेस टू 4 माइनस स्मॉल डी रेस टू 4, ओके। डिविजन को मैं कन्वर्ट करता हूँ मल्टीप्लीकेशन में, सो इट वुड बी 2 बाई डी, ओके। नेक्स्ट देयर फॉर जेड एक्स एक्स इज इक्वल टू जेड वाई वाई एंड इट इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 32 कैपिटल डी रेस टू 4 माइनस स्मॉल डी रेस टू 4 अपॉन कैपिटल डी। तो ये हमारा सेक्शन मॉड्यूलस का फॉर्मूला है, दिस इज फॉर अ हॉलो सर्क्यूलर सेक्शन। यानी अगर हम लोग हॉलो सर्क्यूलर सेक्शन को एक बीम की तरह यूज़ कर रहे हैं तो उसका जेड एक्स एक्स और जेड वाई वाई का वैल्यू रहेगा पाई बाय 32 इंटू कैपिटल डी रेस टू 4 माइनस स्मॉल डी रेस टू 4 अपॉन कैपिटल डी, और इसका यूनिट हो जाएगा एम एम क्यूब।
इज दैट ओके? नाउ आफ्टर दिस लेट मी शो यू वन लास्ट सेक्शन मॉड्यूलस कैलकुलेशन दैट इज फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन. नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर सेक्शन. रेक्टेंगुलर सेक्शन यर आई हैव एक्स एक्स एक्सेस, इसको मैं बोल सकता हूँ न्यूट्रल एक्सेस. देन देर इज वाई वाई एक्सेस. ओके, अभी दिस इज हैविंग अ वर्थ बी एंड द डेप्थ इज डी. डेप्थ इज डी, ठीक है. ये जो मेरा रेक्टेंगुलर सेक्शन है, अभी मैं अगर इसके लिए आई एक्स एक्स और आई वाई वाई लिखूँ, आई एक्स एक्स यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सेस हॉरिजॉन्टल एक्सेस, आई वाई वाई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वर्टिकल एक्सेस. सो रेक्टेंगल सेक्शन के लिए आई एक्स एक्स इज इक्वल टू, वी नो द फॉर्मूला, बी डी क्यूब बाई 12. ओके, आई वाई वाई के लिए फॉर्मूला इज डी बी क्यूब बाई 12, डी बी क्यूब बाई 12, ठीक है. नेक्स्ट, अभी हम लोगों को डिस्टेंसेस चाहिए. सी, इफ आई वॉन्ट टू राइट जेड, दैट इज जेड एक्स एक्स सेक्शन मॉड्यूलस फॉर अबाउट यू कैन से एक्स एक्स एक्सेस, तो उधर पे मैं लिखूंगा आई एक्स एक्स अपॉन वाई. ओके, अभी इफ आई एम टेकिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सेस, तो मेरा जो मैक्सिमम लेयर रहेगा दैट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ डी बाई टू, दैट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ डी बाई टू. ओके, सो इट इज इक्वल टू बी डी क्यूब बाई 12 डिवाइडेड बाय y is equal to d by 2. Okay, so therefore zxx is equal to bd cube by 12, division ki jagah pe aa jayega multiplication, d by 2 ki jagah pe it would be 2 by d, fine. So therefore this will be bd square by 6. zxx is equal to bd square by 6, theek hai, unit mm raised to cube, fine. Next, zyy that is equal to iyy upon y. Okay, is equal to iyy means moment of inertia about vertical axis jo hai db cube by 12, fir division sign. Abhi jab main moment of inertia le raha hu about y axis, तो मेरा जो मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा दैट वुड बी बी बाय 2, मैक्सिमम लेयर इट विल बी एट बी बाय 2, सो इट इज़ डिवीजन बाय बी बाय 2. इट इज़ इक्वल टू डी बी क्यूब बाय 12, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन, इट वुड बी 2 बाय बी. सो फाइनली जेड वाई वाई विल बी डी बी स्क्वायर बाय सिक्स, और इसका जो यूनिट है दैट वुड बी एमएम क्यूब, फाइन. So with this we have seen section modulus for various sections, that is circular, hollow circular and rectangle. If possible we can calculate the section modulus for any given section which would be provided in the problem. Hum log kisi bhi section ka section modulus calculate kar sakte hain. It depends on the cross section which they have given in the problem. Okay, after this let me show you one more formula which is very important for solving the problems.